हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमिंग यूसुफ। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एक्स्ट्रा आरपी होता है जो आपका रॉयल पास मैक्स आउट होने के बाद मिलता है, वो क्या होता है, मतलब कहाँ ऐड होता है, और वो क्या वेस्ट होता है कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि कंप्लीट, हम लोग डिटेल जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है क्योंकि बहुत कोई को इसके बारे में पता है, बट एक जन मुझे कमेंट किया था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना, क्योंकि डेली बेसिस में न्यू पबजी प्लेयर आ रहा है, तो इसी चलते मैं सोचा कि एक ठो वीडियो बना दूँ आप सबके लिए। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो हेल्प आउट करने वाला है, और अगर आपको पता है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं आरपी सेक्शन में जाऊंगा, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा 100 आरपी हो चुका है। उसके बाद जो भी आरपी मुझे मिलेगा, जैसे कि आप जानते हैं 17 को खत्म होने वाला है और आज है आपका 15, तो अभी और 2 दिन है तो मुझे और भी आरपी मिलेगा। तो ये जो आरपी है ये ऐड होगा, कहां मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बेसिकली जो आरपी आपको मिलेगा, ये आरपी आप यूज कर सकते हैं रिडीम के लिए। रिडीम में आप देख सकते हैं ये सब प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट आप यूज खरीद सकते हैं, जिसमें से केवल आप आरपी से दो ही चीज खरीद सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाइक और आप ये वाला बक्सा खरीद सकते हो 150। ये 999 तो है, तो आप 150 करके जितना मन कर सकते हो उतना खरीद सकते हैं। और अगर आप बिना पैसा लगाए खरीदना चाहते हैं ये बाइक को, तो मुझे नहीं लगता इसमें होने वाला है क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा है कि 2400 हो जाएगा। आपको कुछ पेनी डालना पड़ेगा, अपना पैसा डालना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं कि ऑलरेडी मेरे पास 10 आरपी है, और आज का डेली मिशन का 10 आरपी मैं अगर कलेक्ट करूं तो उधर ऐड हो जाएगा, मैं आपको दिखा सकूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 20 आरपी हो चुका है, तो ये चीज़ अब इधर ऐड नहीं होगा, अब इधर ऐड होगा। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आरपी है, ये आरपी यही मिशन, मतलब यही सीजन के लिए काम आएगा। जितना भी एड ऑन आरपी है ये सब नेक्स्ट मिशन में, मतलब नेक्स्ट सीजन में काम नहीं आएगा। इसी चलते मैं एक बार वीडियो बना दियो कि अगर आपको लग रहा है कि ये आरपी अभी कलेक्ट हो रहा तो नेक्स्ट सीजन काम आएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आरपी जैसे ही ये सीजन खत्म होगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद ये मतलब जो आरपी है, नया सीजन का आरपी है, वो जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं, और इसके बाद किसी किसी को तो सीजन 5 का न्यू आरपी भी मिल चुका है ऑलरेडी 500 आरपी, तो वो सीजन 5 में यूज होगा। ये सीजन 4 का आरपी सीजन 4 में खत्म हो जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही सिंपल था, मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि जो आपका एक बार मैक्स आउट हो जाएगा आपका आरपी, मतलब रॉयल पास, और उसके बाद आपका जो आरपी एक्स्ट्रा आरपी जो मिलता है वो कहां जाएगा, और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। इधर आप रिडीम में जाके उसको यूज कर सकते हैं, वो भी केवल 2 चीज में आप देख सकते हैं, बाकी सब में कॉइन और यूसी है, जो कि आरपी से नहीं होगा। ये बाइक और ये जो मतलब चेस्ट है, इसको ही बस आप आरपी से खरीद सकते हैं, जो कि है 150 और 2400। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पबजी का न्यू प्लेयर है तो आपको पता चल गया होगा कि मैक्स आउट आरपी के बाद क्या होता है और कहाँ ये आरपी चल जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में पता चल गया ये वीडियो के बाद, आप ये वीडियो को मतलब लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पता चला पहले बार, और अगर आपको पहले से ही पता था तो आप कमेंट में उससे बोल सकते हैं। और अगर अपने चैनल में नया अगर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे होगा जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसके बाद बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा लाइन पे लगा हुआ है, मैं ऑलरेडी वो सब वीडियो बना चुका हूँ, बस अपलोड करने का देरी है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।